प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कार्य नहीं करता। उसकी करुणा उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई है। उसकी करुणा दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा बनाया और तारागण को बनाया। उसकी करुणा उसने मिस्रियों के पहलोटों को मारा। उसकी करुणा उसने उनके बीच में इसराइलियों को निकाला। उसकी करुणा बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा उसने लाल समुंदर को खड़खड़ कर दिया। उसकी करुणा और इसराइल को उसके बीच में से पसार कर दिया। उसकी करुणा और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा वह अपनी प्रजा को जंगल में से ले चला। उसकी करुणा उसने बड़े बड़े राजा को मारा। उसकी करुणा उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा। उसकी करुणा मिस्रियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा और बाशान के राजा ओक को घात किया। उसकी करुणा और उनके देश को भाग होने के लिए, उसकी करुणा अपने दास इज़राइल का भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। उसकी करुणा और वो और हमको शत्रुओं से छुड़ाया। उसकी करुणा वह सब प्राणियों को हार देता है। उसकी करुणा स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। आइए चर्च अपनी आंखों को बंद करें, यीशु मसीह को धन्यवाद करें ऊंची आवाज में। आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। यहोवा पिता की, यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की हम स्तुति करें। उस परमेश्वर के लिए स्तुति का सिंहासन हम खड़ा करें। इस भवन में हम यीशु मसीह के लिए स्तुति का सिंहासन खड़ा करें। आए उस परमेश्वर को हम वेलकम करें। आए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने अपनी करुणा को हम पे बरसाए रखा है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली है। उस परमेश्वर की हम स्तुति करें। उस परमेश्वर के लिए स्तुति का सिंहासन जब हम खड़ा करते हैं, तब अपने आप को भी उसकी महिमा के लिए तैयार करें। आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। आपकी आवाज स्वर्ग के दरवाजों के अंदर भीतर होकर उस परम पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के पैर पकड़कर कहना चाहिए, जब तक आप अपनी महिमा इस जगह पर नहीं उंडेलोगे तब तक हम आपको नहीं जाने देंगे। आए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। चलो 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 जल्दी परमेश्वर को धन्यवाद। ऊंची आवाज में यीशु मसीह यहाँ पर है। जहाँ एक या दो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में यीशु मसीह है। आए 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 तालियां बजाकर यीशु मसीह को धन्यवाद करें। यीशु मसीह का स्वागत करें। आए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आए यहोवा पिता का स्वागत करें। हालेलुया, वी वेलकम यू जीसस। अपने पापी मार्गों से फिर जाए, अपने पापी मार्गों को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को उंडेलना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा गया है, जो कोई भी मेरे पास आए वो पवित्र होकर आए। वचन में लिखा गया है कि उस पहाड़ पर जब यहोवा पिता उतर आए तब घोर अंधकार छा गया और बिजलियां कड़कने लगी और परमेश्वर अग्नि के द्वारा उस पर्वत पर उतर आया। आज हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पवित्र परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। आए सब पापों को छोड़कर यीशु मसीह की महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रिय पिता, यीशु मसीह के लहू से हमारे सारे पापों को क्षमा करें। यीशु मसीह का लहू आज हमारे पूरी कलीसिया को शुद्ध करें। पिता, आपकी महिमा को रोकने वाला हर एक पाप दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जहाँ यीशु मसीह की उपस्थिति है वहाँ स्वतंत्रता है। कोई दुष्ट शक्तियाँ अंधकार उस जगह पर रह नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से सारी दुष्ट आत्माओं को हम डांटते और इस जगह को छोड़ देने की आज्ञा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पिता, स्वर्ग को खोल कर आप इस जगह पर उतर आए। हालेलुया। आए परमेश्वर को महिमा देते हुए गाए, स्वर खुल गया आजा।
सामर्थी हाथ सबको छू रहा है, उसकी महिमा से मंदिर भरा है, उसका सामर्थी हाथ सबको छू रहा है। Yeah.
पूरे दिल से यीशु मसीह की महिमा करें। अपने आप को बांध के ना रखें, उस यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने आप को ओपन करें। यीशु मसीह की महिमा आत्मा और तन के साथ पवित्र पवित्र मेमने की महिमा करें जो हमारे पापों के लिए वध किया गया। उसने हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ आज भी है, वो झूठ नहीं बोल सकता। उसने वचन दिया है, जहां एक या दो मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं हूं। आए आए पूरे दिल से यीशु मसीह की महिमा करें, उस मेमने की महिमा करें जो सृष्टि के सर्जन अगाओ हमारे लिए वध किया गया था। पवित्र 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 है मेरा योग्य 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 मसीह आपकी उपस्थिति के लिए। पिता जब आप हमारे बीच में हो तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जब यीशु मसीह हमारे बीच में है तब वो एक ही बात कहता है, डरो मत डरो मत डरो मत, फियर नॉट बी स्टिल एंड नो दैट ही इज गॉड। हालेलुया। जब इजरायली प्रजा के सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई थी, मूसा जो परमेश्वर का नबी था वो उनके द्वारा परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को मिस्र की गुलामी से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके निकाला था। एक ऐसा समय आया था कि सामने समुंदर था और पीछे मिस्र की सेना। वो लोग डर गए कि अब क्या होगा हमारा, पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों डरता है, पर मैंने तो ऑलरेडी उनको तुम्हारे हाथों में दे दिया है, उन रथों को और उन घोड़ों को जो तुम देख रहे हो फिर कभी नहीं देखोगे। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तब वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतान और सारी परिस्थितियां जो हमें डराती है वो हमें डुबा नहीं सकती। उन चीज़ों को जो आपको परेशान करती है उनको आप फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर है। हालेलुया। आए यीशु मसीह की महिमा करते हुए गाए, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ताली बजा के उन व्यक्तियों की तरह जाए गाए जिनको परमेश्वर ने छुड़ा दिया है ऑलरेडी विश्वास से। आए गाए, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो
उससे बढ़ते जाएंगे। खुदा की सलाम गाएंगे आखिर उसे बढ़ते जाएंगे, खुदा की सलाम गाएंगे आखिर उसे बढ़ते जाएंगे, नारे पता के लगाएंगे यरी हो की दीवारे गाएंगे, नारे पता के लगाएंगे यरी हो की दीवारे गाएंगे। करो मत चुप जा खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो, करो मत चुप जा खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। यहोवा 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 यहोवा
लहू से भर दिया, तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, लहू से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, फिर से फिर से, आज शैतान झुक जाएगा। चुप चाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, करो मत चुप चाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, यहोवा जलाली के काम देखो, यहोवा जलाली के काम देखो, चुप चाप तुम चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, पूरे दिल से चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, यहोवा जलाली के काम देखो, यहोवा जलाली के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। वो हमारा यीशु मसीह, वो परमेश्वर नहीं जो अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर दूर से खड़ा रहकर उनकी तकलीफ को देखे और उनके उनको सहाय ना करे। हमारा यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमारी तकलीफों और मुसीबतों में हमारे साथ आता है, हमें बाहों में लेता है और हमें हर मुसीबत और तकलीफों में से बाहर निकालता है। आए उस यीशु मसीह को धन्यवाद करें। कलीसिया अपना अपने आवाज़ को उठाए, उस यीशु मसीह को बताए कि आप कितने धन्यवादी हो उसके लिए, क्योंकि आपके जीवनों को यीशु मसीह ने बचाया है। अगर आपको यीशु मसीह ने ना बचाया होता, मुझको यीशु मसीह ने ना बचाया होता, तो मैं और आप यहाँ पर आज खड़े नहीं होते। आए उस यीशु मसीह को धन्यवाद करें, उस यहोवा पिता को धन्यवाद करें जिसने अपनी योजना के तहत अंधकार के राज्य में से निकाल कर हमें प्रकाश के राज्य में ला दिया। आए उस यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आप चुप क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप चुप क्यों है? ऊंचे आवाज में यीशु मसीह को धन्यवाद करें, ऊंचे आवाज में यीशु मसीह को धन्यवाद करें, यीशु मसीह को धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा दे, हालेलुया। यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर कार्य कर रहा है, यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर कार्य कर रहा है, यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर कार्य कर रहा है, यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर कार्य कर रहा है, यीशु मसीह का आत्मा इस जगह पर कार्य कर रहा है। आत्मा पुकार रहा है पुकार, आत्मा पुकार रहा है पुकार, आत्मा पुकार रहा है पुकार। दुश्मनों के तंबू में बड़े भय का शब्द सुनाई दे रहा है, दुश्मनों के तंबू में बड़े भय का शब्द सुनाई दे रहा है, न्यायियों के तंबू में जय जयकार सुनाई दे रहा है, न्यायियों के तंबू में जय जयकार सुनाई दे रहा है। कहाँ है जय जयकार, कहाँ है जय जयकार, कहाँ है जय जयकार? ऊंचे आवाज से, ऊंचे आवाज से उस यीशु मसीह को जय जयकार करें, उस यीशु मसीह का जय जयकार करें, उस यीशु मसीह का जय जयकार करें। यीशु मसीह हमें अपनी विजय कुछ में ले जाता है, हमारे शत्रुओं पर हमें विजय देता है। आए उस यीशु मसीह का धन्यवाद करें।
हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग इस जगह पर उंडेली जा रही है, क्योंकि ये जहां पर यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाता है वहां पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से वो अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से वो अभिषेक कर दे। को स्वर्गों की ओर उठाए, स्वर्ग की ओर देखकर गाए, बहने दे उस हवा को छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें से, फिर से वो अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से वो अभिषेक कर दे। आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां पर आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां पर आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां पर आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यीशु मसीह का आत्मा जहां पर है वहां स्वतंत्रता है, यीशु मसीह का आत्मा जहां पर है वहां स्वतंत्रता है। पिता, आज लोग आपके और फिर से मुड़े, पिता आपसे दूर हुए हृदय आपके और मुड़े, पिता आज आपके अंदर पुनः स्थापित हो वो लोग, पिता आज आपका अग्नि, यीशु मसीह आपका अग्नि, शुद्धिकरण का अग्नि हमारी कलीसिया पर उंडेल दीजिए, हमारी प्रार्थना है। शुद्धिकरण का अग्नि हमारी कलीसिया पर उंडेल दीजिए, हमारी प्रार्थना है। पिता
आज जो लोग दबे हुए कुचले हुए जो लोग शैतान से परेशान हुए यीशु मसीह ऐसा होने दीजिए कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो छुड़ाए जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जहाँ पर पवित्र आत्मा है, जहाँ पर यीशु मसीह का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। पिता आज हम आपकी महिमा करते हैं, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें। पिता आज आपने हमें वही ये अवसर दिया, हमारी कलीसिया को ये अवसर दिया कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह हम आपकी आराधना स्तुति कर सके। पिता उसकी उपस्थिति में खो जाए, चंद समय हमारे पास है, आए अपने हृदय को उसकी ओर करें, वो बुला रहा है उसके पास जाए। यीशु मसीह आपको नाम देकर बुला रहा है, हालेलुया। अपने मनो और अंतकरणों को उसकी ओर फिराए, उसके मुख को देखे और प्रकाश पाए। उसके पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है, उसके पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है, जिसके सामने इस दुनिया के पाप बहुत छोटे हैं। अपने हृदयों को उसकी ओर बढ़ाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक नई सीजन चालू होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, एक नया दौर चालू होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से एक नया दौर चालू होने जा रहा है। जुड़ जाए उसमें, जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, जुड़ जाए। जो लोग अन्य भाषा में बात कर सकते हैं ऊंची आवाज में अन्य भाषा में बात करें यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिता, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाते हैं। आपके लिए यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं कि राजाओं के राजा होकर भी आप हमारे बीच उतर आए हो। हम आपके आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, थैंक यू होली स्पिरिट, आप हमारे बीच में हो। पिता इस पवित्र आत्मा के कार्य को अंत तक बनाए रखे, ये हमारी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से सारा आदर आपके चरणों में लाते पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।